गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एबीएन जेजेएन ऑनलाइन मैथ क्लास। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन कल की अपनी क्लास में कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन 3 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी बुक के पेज नंबर 36 पर है। तो क्वेश्चन 3 आप देखिएगा, एक्सरसाइज 2.2 में मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। रिड्यूस यानी कम करना, हमें क्या करना है, जो डिजिट्स दी हुई है उनको मल्टीप्लाई करना है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। क्या क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जितना वो लोवेस्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में हो सकती है उतना हमें उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन 3 में फर्स्ट हमारा है 7 × 3/5। पहले हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो यहां देखिए, अगर क्रॉस में जो डिजिट्स दी हुई हैं वो अगर कट नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेते हैं कि ये 1 है, ठीक है, तो नम्रेटर को नम्रेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। 7 × 3 = 21, 5 × 1 = 5, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ये देखिए कि क्या ये दोनों डिजिट एक नंबर से ही कट रही है क्या, एक ही टेबल से। 5 और 21 ना तो 2 की टेबल में एक साथ आ रहा है, ना 3 के में, ना 4 में, ना 5 में, यानी कि ये दोनों ही नंबर किसी एक सेम डिजिट से कन्वर्ट नहीं हो रही, तो इसको लोवेस्ट टर्म में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, यही इसका लोवेस्ट टर्म हो गया, लोवेस्ट फॉर्म यही इसकी हो गई। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, नम्रेटर जब डेनोमिनेटर से ज्यादा हो, ऊपर वाली डिजिट जब नीचे वाली डिजिट से ग्रेटर देन हो, तो हमें ऊपर वाली डिजिट में नीचे वाले डेनोमिनेटर का डिवाइड करके उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। 5, 4 = 20, ये मेरे पास बचा 1। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास नीचे 5 था ना, ये मेरा आ गया नीचे 5 ही हो गया, ठीक है। रिमाइंडर जो मेरे पास आया, रिमाइंडर को मैं इसके ऊपर लिख दूंगी, और साइड में मेरे को क्या लिखना है, 4। तो मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया, 4 and 1/5, 4, 1/5, ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला खाली आपको याद रखना पड़ेगा, कोशेंट को आपको साइड में रखना है, रिमाइंडर को ऊपर रखना है, और डिविजर को नीचे। QR/D, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिविजन, डिविजर है ना ये, तो इस फॉर्मूले से हमें ये बनाना है। सेकंड हमारा क्वेश्चन इसी में है, 4 × 1/3, 4 × 1 = 4, और ये आपका 3 आ गया, और क्योंकि ये भी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है इससे ज्यादा, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आया, क्या आया, 1, 1/3, है ना। 4/3 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आया, 1, 1/3, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 3, 4, 5 क्वेश्चन हम एक साथ ही लिख लेते हैं। 2 × 6/7,
फोर हमारा है फाइव इंटू टू अपॉन नाइन, फाइव है टू इंटू थ्री, टू बाय थ्री इंटू फोर, फाइव बाय टू इंटू सिक्स, इलेवन बाय फोर, इलेवन इंटू फोर बाय सेवन, ट्वेंटी इंटू फोर बाय फाइव, थर्टीन इंटू वन बाय थ्री, और ये आ गया फिफ्टीन इंटू थ्री बाय फाइव। ठीक है, अब इनको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12/7, और क्योंकि ये भी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 का डिवाइड देके देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या आया आंसर, 15/7। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे, 5 × 2/9, 5 × 2 = 10, ये 9 हो गया, ये भी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 10 में 9 का डिवाइड देंगे, 9 × 1 = 9, 1 अपना रिमाइंडर हो गया, और हमारा आंसर क्या आएगा, 1/9। अब फिफ्थ का देखिए, फिफ्थ के क्वेश्चन में आप यहाँ देखो, ये भी आपका ना तो क्रॉस में कट रहा है, तो हमें ऊपर की डिजिट को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 = 8, 8/3, ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, 8 में हम 3 का डिवाइड करके देखेंगे, 3 × 2 = 6, तो हमारा आंसर आया 2/3। अब सिक्स में देखिए, 5/2 × 6, अब यहां आप देखिएगा 5 और 6 तो नंबरेटर हैं, लेकिन यहां देखो ये 2 से 6 कट रहा है, 2 × 3 = 6, है ना, तो यहां पर ये हमारा हो गया 5 × 3 = 15, 15/1। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि ये कट रहा था तो इसको हमने यहाँ पे काट दिया, 2 × 3 = 6 और 5 × 3 = 15। अब 15 क्योंकि पूरा पूरा एक होल नंबर यहाँ पर हमारे पास आ गया है, तो ना तो ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट होगा, ना ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो हमारा आंसर एज इट इज हो गया। अब 7 में आप देखिए, 11/44/7, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 44 में 7 का डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे देखो 2 हमारे पास रिमाइंडर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6/7। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देखिए, 8 में अगेन यहां पर 5/4 = 20, 5 से 20 को हम काट सकते हैं 4 times, और 4 को 4 से आप इंटू करेंगे तो आपका आया 16, और क्योंकि ये पूरा एक होल नंबर आ गया, ना इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ना ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा 9 का है, 13/1/3, तो यहाँ 13 × 1 = 13 और 3 एज इट इज आपका आ गया। अब इसको लोवेस्ट टर्म में क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर सकते,
तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 13 में 3 का डिवाइड करके देखना है, 3 4 12, ये 1 बचा, तो आपका आंसर आ गया 4 1/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 10 का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टेन के क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट है 15 × 3/5, 5 3 = 15, 3 टाइम हमारा कट रहा है ना 5 की टेबल से, और 3 3 = 9, ये हमारा आंसर आ गया। और क्योंकि पूरा पूरा नंबर हमें यहाँ मिल रहा है, इट मींस इसको आगे कन्वर्ट नहीं करना है। अब क्वेश्चन 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, जो आपको बॉक्स ए दिया हुआ है उसका 1/2 पार्ट है वो आपको शेड करना है। क्वेश्चन 4 में बॉक्स ए, अब बॉक्स ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हमें देखना है। इसका 1/2 पार्ट शेड करना है, तो 1/2 को हमने यहां लिखा। टोटल कितने हमारे पास 4 4 की 3 रो हैं, यानी कि 12, 2 6 = 12, 6 टाइम मैंने इसको काट दिया, इट मींस हमें इसमें से कितने गोले शेड करने हैं, 6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इसमें शेड कर दिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल अब यहां पे बॉक्स बी में हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं वो देखने पड़ेंगे। बॉक्स बी में 3 3 ट्राइंगल की 3 रो हमारे पास है, तो हमें इसमें से कितने ट्राइंगल को शेड करना है ये देखना पड़ेगा। तो हम 2/3 इसका निकाल लेते हैं, टोटल कितने हैं 9 9 है ना हमारे पास वो ये ट्राइंगल बने हुए, तो 3 3 = 9। अब ऊपर वाले 2 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो 2 3 = 6, यानी कि हमें कितने ट्राइंगल 9 में से 2/3 पार्ट करना है, तो 9 का 2/3 पार्ट कितने ट्राइंगल हुए, 6। तो 6 ट्राइंगल को मैं यहां पर